हैप्पी बर्थडे में आता ना बुआ को बोलो जय माता दी, बोलो सब जोर से जय माता दी। हाँ कितने रखा तेरा रेशमी, बहुत सुंदर भी हुआ, बहुत सुंदर भी हुआ। मतलब जिनका घर है ना ये बिल्कुल लास्ट चोटी पे है और उसके चारों तरफ ना ये देखो, लेकिन व्यवहार होता है इंसान का और इनका व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे हैं। बच्चे भी वैसे हैं दीदी के, दीदी खुद भी मतलब बहुत अच्छी हैं। तो ए भगवान, बस कर क्या, बस कर बस कर बस कर, कितना खराब है, कितना खराब है बाबा। इसका हैप्पी अगर खुल जाए भाई दीवे देखिए, सोचिए दो पल को बड़ी। अरे अरे हेलो 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 बड़ी 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 बाश मेरा बच्चा बाश ओले मेरा बच्चा बाश बाश बाश। साक्षी चल रही है है? आज पढ़ाई की बातें थी, मैं से अंताक्षरी चल रही है काम। ये वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था, किस छल्ली ना ना क्या था लेन देरा, अपने अपनी वो भी भूल जाती हूँ, पखैने चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, ये वो वाला देखो चिराग तले अंधेरे वाला काम अभी बहुत है, ये नहीं बोलना काम नहीं करता है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो जी, ये देखो कितनी मेहनत करते हैं ना गांव के लोग, हार्ड वर्क, ये कितने हार्ड वर्कर है। ये पीली मक्कियों में देखो जी लाल मक्की, वाह ये तो सच। अच्छा अलग अलग किस्म का ऐसी होनी बीच में, अच्छा होती है ऐसे एक प्योर व्हाइट होता है बीच पर ले होनी। हां चिट्टी, ये देखो जी कितने मेहनती है। और ये भाई साहब कुछ ज्यादा मेहनती है। और ये देखो यंग जनरेशन सीख रही है भी कैसे खोल रहे हैं। आगे ही आने, ये देखो तोते हैप्पी बर्थडे में आता ना बुआ को गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज कहाँ पे हो रही सुबह, ये देखो आज हो रही सुबह हिमाचल में लोहारा दा ठाणा में हो रही आज। गुड मॉर्निंग, तो जय माता दी सबको, राम राम, सबका दिन शुभ हो, जहाँ भी रहो सुखी रहो। बोलो भाई गुड मॉर्निंग, बोलो जय माता दी, बोलो सब जोर से जय माता दी। हाँ कितने रखा तेरा रेशमी रुमाल, सुंदर लग रहे हैं। और ये देखो मेरे पीछे, ये देखो सूर्य, देखो सूर्य का नजारा, ये भी गुड मॉर्निंग, बोल भाई गुड मॉर्निंग तू आज। जय माता दी। क्या चीज है, पुरानी आदत है चलते चलते मांगने की। अच्छा मांग रही है ये, ये देखो जी मंगते। और उर्विल उसमें मीम, ये जी देखिए मेरी ननद जी बोल रही है जोड़ खाएगा जाए ननद देव तो ऐसी हो। हां तूने मांग के की बात, हैप्पी मांगी ना इसने, देने वाली हूं पूछ लो चाहे खड़ी मेरी ननद। हां रूप है, हां देखिए सूरज देवता। आज मौसम ऐसे ही है वैसे, यहाँ पे 6:30 हो चुके हैं पर सूरज देवता निकल गए, लेकिन वो देखो ढीले ही है। और ये देखो लोहारा दा ठाणे की मॉर्निंग, मतलब अभी व्यू दिख नहीं रहा सामने का, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है। मतलब जिनका घर है ना ये बिल्कुल लास्ट चोटी पे है और उसके चारों तरफ ना ये देखो, मतलब ये देखो आपको इसी से पता चल जाएगा, बहुत सुंदर लोकेशन पे है, चारों तरफ इस तरह से
घिरा पड़ा है। इधर भी पहाड़ी, उधर भी पहाड़ी और बीच में इनका घर, ये है देखो, ये घर है इनका और बहुत बढ़िया। दीदी है मेरे और बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी सेवा की इन्होंने। पहले भी आई हूँ मैं, इनके बड़े बेटे की शादी में आई थी, उसके बाद भी आई एक दो बार, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। पता है क्या, ये नहीं होता भी आपको कोई क्या खिला रहा है क्या पिला रहा है। खैर इनकी तो वो चीज़ें भी खैर बहुत अच्छी थी, खाना बनाया बहुत प्यार से खिलाया बहुत, उससे तो वो मतलब वो चीज़ भी अच्छी लगी है, लेकिन प्यार है ना जो इनका, वैसे जो इनका व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। और इंसान का ना, मैं तो यही चीज़ बोलूँगी, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। खाने पिलाने का कोई वो नहीं होता, ठीक है, हर एक मतलब अपने घर में भी खाता पीता है, वो किसी को कोई वो चीज़ आज की उसमें वो चीज़ें तो है नहीं है, लेकिन व्यवहार होता है इंसान का, और इनका व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे हैं। बच्चे भी वैसे हैं दीदी के, दीदी खुद भी मतलब बहुत अच्छी हैं। तो माता रानी इन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, खूब सुख शांति उनके घर में। और चलो लेट हो रहे हैं, चंडीगढ़ पहुँचना है। आज हम आए थे माता रानी के, फिर बाबा बालकनाथ गए थे, फिर शनि मंदिर है, मतलब सारा कुछ घूम घाम के और दीदी को लास्ट में मिलके आप जा रहे हैं चंडीगढ़, क्योंकि बेटा है, हैप्पी है, उसको परसों ड्यूटी जाना है। तो दिल तो नहीं करता हिमाचल आओ एक बार, हिमाचल से वापस जाने को, पर मजबूरियाँ हैं, क्या करें। तो चलो बाय बाय लोहारा दा ठाणा। हम इस टाइम हैं लोहारा का ठाणा जगह है ये, तो चलो बाय। सामने दीदी के जो छोटा बेटा है मनोज, उसका घर है सामने वाला, बहुत सुंदर मकान बनाया हुआ उसने, बहुत बढ़िया। अंदर से जो उसकी डेकोरेशन है ना, मतलब दिल खुश कर देती है वो, बहुत सुंदर डेकोरेशन है। नहीं, नहीं। और इस तरफ बड़े वाले का है, तो चल पड़े हम, और ये लोग जा रहे हैं हमें छोड़ने, तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आगे। तो सुबह के बजे 7 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं वापिस चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से फिर उर्मिलने अपना देहरादून जाना है, वापिस आज ही जाना है इनको, इसलिए हम जल्दी निकल गए हैं। और अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है और ये लोग हमें, मतलब यहाँ पे नीचे गाड़ी खड़ी है ना, घर तक वैसे गाड़ी ऊपर तक जाती है, घर तक चली जाएगी इनके ऊपर तक ना, पर हमने यहाँ गाड़ी यहाँ खड़ी की थी और ये हम लोग हमें गाड़ी तक बिठाने आए हैं और हमने निकल जाना है। तो बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी, बहुत अच्छा रहा, मतलब मैं बताऊं मेरे पास शब्द नहीं इन लोगों की तारीफ के लिए भी, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के ना, 1% भी ये नहीं लगता भी हम कहीं बाहर हैं, किसी और के घर में हैं, ऐसा लगता हम अपने घर में बैठे हैं। और हिमाचल आओ तो आपको पता ही, हिमाचल से वापस जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरी तो रूह हिमाचल में बसती है, लेकिन हर एक की मतलब अपनी जिम्मेवारियां हैं, कुछ ना कुछ है आगे, तो वापिस तो जाना पड़ेगा। वैसे भी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मतलब जबरदस्ती लेके आए, मुझे ये लेके आ गए थे, फिर मैंने मना भी नहीं किया, मैं कहा बच्चा इतना फोर्स कर रहे हैं तो जाना बनता है। तो चलो बाय बाय लोहारंदा ठाणा और हम चल पड़े वापिस, तो चलो मिलते हैं आपको आगे। इसकी भाषा तो इंसोफिस्टिक। Continue for 2 kilometers. इस रोड का नाम हमीरपुर रोड है ना, हम इधर को मुड़ जाएंगे, ये इधर को है हमीरपुर ऊपर को। अरे यार पूछ ले किसी को, सही है सही है, बोल तो रही बेबे। Continue for 4 kilometers. और हो गया, पहले 2 ही था। किसी को कहाँ करना, ये कुमार में अरे लगे होते हैं जगह जगह। अब पर ये भी हमारा जो गुरुजी है ये ठीक ही बता रही है, ये जी वोटा, और इस वोटा ने हमें कल बहुत परेशान किया, कल वोटा नहीं मिल रहा था ना, बहुत कंफ्यूज करते थे वोटा ने, कल हमें वोटा नहीं मिल रहा था। बहुत अच्छी बनी है, आइए देखो शिमला की वाइब्स आ रही है।
हम ना हमीरपुर की तरफ से नहीं आए, हम आए घुमारवी से, और ये ना चंडीगढ़ के लिए शॉर्टकट बन चुका है। पहले 5-6 घंटे लगते थे हमीरपुर के, और सिर्फ ना 3 घंटे लग रहे हैं। और रोड देखो, मतलब इतना स्मूथ रोड बन गया ना, और 4 लेन बन चुका है, और हम 3 घंटे में ना मतलब चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। तो चलो जब पहुंचेंगे तब तो दिखाऊंगे, बहुत सुंदर रोड गया। अब किसी को भी आना है ना तो इस तरफ से आए।